अ मॉडर्न थियोरी ऑफ इवोल्यूशन बता रहे थे शायद, उसमें हार्डी विनबर इक्विलिब्रियम बता रहे थे, और हार्डी विनबर इक्विलिब्रियम क्या बोलता था बताओ, क्या था थियोरी, क्या था? चलो संतोष खड़ा होके बताओ सबको। हाँ क्या बोला, सुनाई दिया? किसमें? लार्ज रैंडमली मेटिंग पॉपुलेशन है ना, उसका जो जीन पूल होगा या एलील होगा, सम टोटल ऑफ एलील होगा, वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। क्या होगा? कब? इफ। बाबू बताओ, इफ क्या क्या था? कब कब हमारा कांस्टेंट होगा पॉपुलेशन में, एलील या जीन पूल, क्या कंडीशन थे? हाँ फाइव फैक्टर्स थे, बताओ। नो म्यूटेशन, नो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, नो जीन फ्लो या माइग्रेशन, नो जेनेटिक ड्रिफ्ट, नो नेचुरल सेलेक्शन। वेरी गुड, यही पांच था ना, फाइव फैक्टर्स। कब हमारा जीन पूल या फिर हमारा एलील कांस्टेंट रहेगा? ये ना ही म्यूटेशन होना चाहिए बाबू, ना ही किसी तरह का जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होना चाहिए, ना ही किसी तरह का जेनेटिक मतलब जीन फ्लो या माइग्रेशन होना नहीं चाहिए, ना ही जेनेटिक ड्रिफ्ट होना चाहिए, और ना ही नेचुरल सिलेक्शन होना चाहिए। ये पांचों का मीनिंग पता था? मीनिंग पता है सबको? चलो आगे तुम बताओ कि नो म्यूटेशन कहने का क्या मतलब है? म्यूटेशन नहीं होगा तो क्या होगा? अगर म्यूटेशन हो गया तो, म्यूटेशन अगर हो गया तो क्या होगा? हार्डी वीनवर एक्विलिब्रियम वैलिड होगा या नहीं होगा? अगर म्यूटेशन हो गया किसी भी ऑर्गेनिज्म में, किसी भी प्लांट में, तो हार्डी विनवर एक्विलिब्रियम जो मेरा था वो वैलिड है कि नहीं है उसके लिए? है। नहीं है। क्यों नहीं है बाबू? क्योंकि देखो, हार्डी विनवर एक्विलिब्रियम कहना क्या चाह रहा था, हार्डी विनबर्ग जो इक्विलिब्रियम दिया है, अपना जो स्टेटमेंट दिया है और जो अपना कॉन्सेप्ट दिया है, उसके अनुसार वो ये कहना चाह रहा है कि अगर ये कंडीशन रहा तो इवोल्यूशन नहीं होगा। अगर ये कंडीशन में एक कंडीशन भी इधर उधर हुआ, अगर एक भी हो गया तो क्या हो जाएगा? इवोल्यूशन हो जाएगा। क्या होगा? इवोल्यूशन हो जाएगा। क्योंकि हम लोग पांचों का मतलब समझे थे कि पांचों का मतलब ये होता है कि कोई भी एक हो गया तो इवोल्यूशन हो जाता है। जैसे अभी इससे क्या पूछे? म्यूटेशन पूछे बाबू। अगर म्यूटेशन हो गया तो क्या इवोल्यूशन नहीं हो जाएगा? म्यूटेशन से इवोल्यूशन तो होता है, स्लो म्यूटेशन हो फास्ट म्यूटेशन हो, तुम्हारा इवोल्यूशन तो होता ही है। ठीक है, पहला। दूसरा क्या था? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन से होगा या नहीं होगा? हाँ होगा। अगर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो गया तो इवोल्यूशन होगा या नहीं होगा? होगा, क्योंकि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है ना, जिसमें क्या होता है, तुम्हारा एक पापा का क्रोमोसोम और ये मम्मी का क्रोमोसोम है, दोनों क्रॉस करता है और पापा वाला गुण इसमें चला जाता है ना, और इसका वाला गुण इसमें आता है, यानी कि दोनों मैच हो गया, आधा पापा का आधा मम्मी का, और वो बच्चे में जाएगा तो अलग करेक्टर दिखाएगा, ना ही पापा का पूरा और ना ही मम्मी का, तो ये वेरिएशन हो गया। क्या हो गया? वेरिएशन। और जहां वेरिएशन होता है वहां क्या होता है? रिप्रोडक्ट इवोल्यूशन होता है। क्या होता है? इवोल्यूशन होता है। ठीक है, तुम्हारा अगला आ जाओ, जीन फ्लो या माइग्रेशन। हम क्या बताए थे कि जीन फ्लो या माइग्रेशन हो जाए, यानी कि एक जीन जो है तुम्हारा कुछ, वो तुम्हारा फ्लो कर जाए किसी अदर जगह पे, ठीक है, तो क्या होगा, वो नया स्पीसीज में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसमें भी वेरिएशन आया, ठीक है, और उसमें भी तुम्हारा क्या होगा, इवोल्यूशन हो जाएगा अल्टीमेटली, तो भी तुम्हारा हार्डी विनवर इक्विलिब्रियम फॉलो नहीं करेगा वो। अब आया तुम्हारा क्या, जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट बताए थे ना तुम लोग को, क्या बताए थे जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब बताओ, क्या कोई एक खड़ा होके बताओ, हमको समझाओ जेनेटिक ड्रिफ्ट, हमको समझाओ। हाँ, बाय चांस क्या हुआ, तुम्हारा जीन फ्रीक्वेंसी चेंज हो गया,
है ना, जैसे क्या हुआ था कि कोई आपदा आया था, कोई बाढ़ आया था, बताए थे ना तुम लोग को, कोई बाढ़ आया था, कोई बहुत ज्यादा डिजास्टर हो गया था, अचानक वोल्केनिक इरप्शन होने लगा, ठीक है, तो क्या हुआ तुम्हारा कुछ जो पॉपुलेशन है वो बच गया, उसमें 10 लोग थे, उसमें 5 लोग मर गए, बचे 5 लोग, 5 लोग को कहीं और जाना पड़ा और वहां रहन सहन करना पड़ा उन लोग को, वही बताए थे ना, हुलाला जंगल में चले गए, तो उन लोग को वहां के अनुसार डेवलप करना पड़ा, तो वहां क्या आया, वेरिएशन आया उन लोग में, तो भी क्या हो जाएगा, इवोल्यूशन हो जाएगा, लास्ट क्या बचा, नेचुरल सेलेक्शन, ठीक है। अब नेचुरल सेलेक्शन भी क्या है तुम्हारा, उसमें भी बताता है कि नेचुरल सेलेक्शन भी 3 तरह का होता है, ठीक है, स्टेबलाइजिंग होता है, ठीक है, डायरेक्शनल होता है, और एक तुम्हारा डिस्ट्रप्टिव होता है, ये अभी हम बताएंगे, ठीक है। नेचुरल सेलेक्शन मतलब होता है बाबू कि अगर तुम फिट हो तभी तो तुमको नेचर सेलेक्ट कर रहा है, और तुमको अगर सेलेक्ट कर लिया यानी कि तुम्हारा इवोल्यूशन हो जाएगा, जिसको सेलेक्ट करेगा वही तो आगे बढ़ेगा, और आगे बढ़ना मतलब इवोल्यूशन होना, ठीक है। तो जिसको नेचुरल सेलेक्ट कर लिया उसको किसको करता था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, पता था ना, रिप्रोडक्टिव फिट होना चाहिए ना, रिप्रोडक्टिव फिट हो गया तो उसको नेचर सेलेक्ट कर लेगा, यानी कि उसमें इवोल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारा क्या होता था कि जब भी कोई रिप्रोडक्टिव फिट होता था और जिसका नेचुरल सेलेक्शन होता था, लास्ट में उसका क्या लिखा आए थे कि न्यू स्पीसीज फॉर्मेशन, जिसको बोलते थे स्पीसिएशन, यही ना बोलते थे। चलो अब हम लोग एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग फ्रिक्वेंसी का बात किए हैं, तो सबसे पहले हम लोग फ्रिक्वेंसी का एक फॉर्मूला दिया था, उसको हम लोग समझेंगे। जो हमारा फ्रिक्वेंसी का एक फॉर्मूला दिया था, जैसे हम क्या बताए थे बाबू कि हमारे पेरेंट्स में तुम्हारा 10 फ्रिक्वेंसी है, पापा मम्मी का, हमारे में फ्रिक्वेंसी 10 ही रह गया, तो इवोल्यूशन होगा कि मेरा नहीं होगा, नहीं हुआ, क्योंकि वेरिएशन नहीं आया। मम्मी में, मम्मी पापा में हमारे 10 थे और हमारे में कितना, 11 हुआ, तो वेरिएशन आया कि नहीं आया, आया। तो इसको किसी भी कोई फॉर्मूला से कैलकुलेट करना होगा। ये जो हम लोग 10 फ्रिक्वेंसी 11 फ्रिक्वेंसी बता दे रहे हैं, ये तो किसी चीज से कैलकुलेट करके बताओगे ना, कि ऐसे मुंह से देख के बता दोगे नहीं 11 फ्रिक्वेंसी तुम्हारे में है, ऐसे तो नहीं पता चलेगा, उसके लिए कुछ कैलकुलेशन आया। कैलकुलेट करके एग्जैक्ट हम लोग नंबर बताएंगे कि इसमें इतना फ्रिक्वेंसी है ना, तो उसके लिए इसको फॉर्मूला देना होगा, तभी तो हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे। तो सबसे पहले मान लिया जाए कि हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं बाबू, उससे पहले ना हम थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो हार्डी विरमन इक्विलिब्रियम पॉपुलेशन यही बोला था, इट सेज दैट एलील फ्रीक्वेंसी इन अ पॉपुलेशन आर स्टेबल एंड इज कांस्टेंट फ्रॉम द जनरेशन टू जनरेशन इज अ एब्सेंस ऑफ डिस्टर्बिंग फैक्टर। वो पांचों डिस्टर्बिंग फैक्टर में एक भी फैक्टर अगर डिस्टर्ब नहीं किया, वो 5 फैक्टर था ना, वो 5 फैक्टर अगर डिस्टर्ब नहीं हुआ तो क्या होगा, स्टेबल होगा और कॉन्स्टेंट होगा, यानी इवोल्यूशन नहीं होगा ए पॉपुलेशन। ठीक है, ये तो एग्जाम्पल है तुम्हारा, ये फॉर्मूला भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, देखो ये हम तुम लोग को बताए हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग हार्डी विनबर इक्विलिब्रियम, कौन कौन सा फैक्टर्स है जो तुम्हारा अफेक्ट करता है किसको, हार्डी विनबर इक्विलिब्रियम को। सबसे पहला जीन माइग्रेशन या जीन फ्लो बताए थे, उसके बाद जेनेटिक ड्रिफ्ट बताए थे, उसके बाद म्यूटेशन, उसके बाद जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, उसके बाद नेचुरल सेलेक्शन। सबसे पहले हम लोग आते हैं जीन माइग्रेशन पे, है ना, तो बताए थे कि माइग्रेशन होता है, जैसे क्या होता है ना कि अभी जब तुम लोग देखोगे यहाँ पे भी झील पे भी, जैसे कि उधर कोरिया रसिया वगैरह से क्या होता है कि कुछ पक्षी होते हैं, उन लोग क्या होता है एक सर्टिन सीजन में ही सरवाइव कर पाता है ना, अगर ठंडा में रहने वाला है तो ठंडा में ही सरवाइव करेगा, है ना, गर्मी आएगा तो पक्षी लोग नहीं रह पाता है, तो उन लोग क्या करता है बाबू, माइग्रेट करके दूसरा देश पहुंच जाता है, ठीक है, सीजन में सर्वाइव करने के लिए, क्योंकि उन लोग गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाता है। तो मान ली उधर जिधर गर्मी आया, मान ली इधर गर्मी आया तो इधर से वापस चला जाएगा, इधर ठंडा आया उधर गर्मी आया, तो उन लोग माइग्रेट करके आता है इधर, ठीक है, माइग्रेट करके बहुत दूर। कुछ ही लोग कीवी पक्षी लोग एक होता है कीवी नाम का,
उन लोग बहुत ज्यादा माइग्रेशन करता है, एक देश से दूसरे देश में आ जाता है मौसम को देख करके, है ना। तो इन लोग में क्या होता है, आने के बाद वहां से यहां आने के बाद अगर इमाइग्रेशन किया तो क्या हुआ कि उसका यहाँ बहुत दिन तक रहेगा ना, सीजन एक दिन तक तो रहता नहीं है। अब क्या वो उसके बच्चे यहाँ होंगे यहाँ करके, अब यहाँ के इन्वायरमेंट के अनुसार होगा तो उसमें क्या होगा, यहाँ के इन्वायरमेंट के अनुसार उसमें जो बच्चे यहाँ हो गए, मान लें यहाँ आया था इंडिया में हमारे झील पे, तो झील में जो बच्चे हुए होंगे उसको उसके यहाँ के अनुसार वो डेवलप कर जाएगा वो बच्चा, ठीक है। क्योंकि उसको बच्चा भी इन्वायरमेंट कहाँ का मिला, हमारा झील का मिला, ठीक है, उसको रसिया का नहीं मिला। जैसे होता है ना कि बच्चे जो बचपन में जिस इन्वायरमेंट में दोगे, जैसा इन्वायरमेंट तुम बच्चा में किसी को दोगे 5 साल तक, वैसा वो पूरा जो एडल्ट होगा ना उसके अनुसार वो लाइफ अपने अनुसार चलाएगा। तो वही हुआ कि जो माइग्रेट करके आए थे, ये बता रहा है कि एक देश से दूसरे देश में आना, ठीक है, पार करके, कि आने के बाद क्या होता है उसका स्पीसीज थोड़ा सा चेंजिंग आ जाता है। जो बच्चा यहाँ दिया ना भारत में इंडिया में, उसका थोड़ा सा चेंजिंग आ जाएगा स्पीसीज में, तो उसको बोलते हैं जीन माइग्रेशन। में ऑफ स्प्रिंग ऑफ ई माइग्रेटेड बर्ड हैज अ जीनोटाइप ऑफ एच एच, ये है ऑफ स्प्रिंग ऑफ ई माइग्रेटेड बर्ड हैज जीनोटाइप एच एच। ये तुम लोग को एच एच वाला भी नहीं समझ में आएगा, जब बताएंगे फॉर्मूला तब समझ में आएगा। अभी एक वर्बल समझ गए ना कि हमारा पक्षी इंडिया से कुछ अलग देश में जाता है, ठीक है, और दूसरा देश से हमारे यहाँ आता है, तो क्या होता है कि कुछ चेंजिंग होता है। देखो हमारे यहाँ यहाँ बच्चा गया, ये इसका बच्चा जो अपना देश में दिया होगा, और एक हमारे यहाँ पक्षी से जाकर के जो बच्चा दिया, दोनों में डिफरेंस है कि नहीं, तो वेरिएशन आ जाएगा वहां पे, है ना, वहां जो बच्चा रहने लगेगा। उसी तरह से दूसरे देश से हमारे देश में आया, यहां आकर के बच्चा दिया, और हमारा जो था यहाँ का, यहाँ के अनुसार ये डेवलप करना स्टार्ट करेगा यहाँ को बच्चा को देख करके, तो यहाँ पे तुम्हारा चेंजिंग है, इसको बोलते हैं हम लोग जीन माइग्रेशन, ठीक है। एक देखो, एक जहाँ कीड़ा देख रही है यहाँ पे, कि एक कीड़ा यहाँ माइग्रेट करके ये हरा वाला में चला गया, अब ये हरा वाला के जैसा चेंज हो जाएगा, है ना, इसको बोलते हैं हम लोग जीन माइग्रेशन। अब होते हैं जेनेटिक ड्रिप। जेनेटिक ड्रिप में क्या बोले कि जीन फ्लो बाय चांस, ये क्या हो रहा है, बाय चांस हो रहा है, कॉजिंग चेंज इन फ्रीक्वेंसी, सम टाइम चेंज इन फ्रीक्वेंसी सो डिफरेंट इन द न्यू सैंपल ऑफ पॉपुलेशन दैट दे बिकम अ डिफरेंट स्पीसीज, द ओरिजिनल ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन बिकम फॉन्डर एंड द इफेक्ट इज कॉल्ड फॉन्डर इफेक्ट। फॉन्डर इफेक्ट बताए थे तुम लोग को, फाउंडर इफेक्ट का मतलब ये हुआ कि कुछ पॉपुलेशन में से, जैसे हमारा यहाँ बायोलॉजी का सब है, 5 लोग निकल करके मैथ पढ़ने चला गया, है ना, तो धीरे धीरे क्या हुआ, वो लोग मैथ ही सीख लिया, बायोलॉजी भूल गया। अब हम लोग देखेंगे उसको तो मैथ क्या बोलेंगे, मैथ का स्टूडेंट है, ठीक है, तो स्पीसीज पूरा चेंज हो गया, लेकिन वो अपने मन से गया था, उसको कोई भेजा नहीं था, या तो कोई बाढ़ उड़ नहीं आया था जिसके कारण गया, वो अपने मन से गया था मैथ पढ़ने के लिए, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट बोलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल से समझ दिया है कि मान लिया जाए हम लोग जो चलते हैं, है ना, कहीं पे, अब मान लिया जाए कि पैर रखते हैं तो उसमें बहुत सारा जो है वो तुम्हारा मर गया, कुचल गया, ठीक है। क्या हुआ, जैसे कि कुछ हरा था, देखो यहाँ क्या हुआ, कुछ ग्रीन कीड़ा था और कुछ ग्रे कीड़ा था, सपोज करो। अब ग्रीन कीड़ा बहुत कम था हमारे पास, अब क्या हुआ कि तुम्हारा हम लोग पैर रख दिए तो उसमें से 2 ग्रीन कीड़ा ही मर गया तुम्हारा, 1 ग्रीन कीड़ा बचा ना। अब ये 1 ग्रीन कीड़ा जो था तुम्हारा, अब क्या होगा, एक एकलौता बच गया, माइनॉरिटी बच गया, अब उसको ये तुम्हारा इसमें डेवलप करना पड़ेगा, मतलब कि जो ग्रे वाला कीड़ा है उसमें डेवलप करना पड़ेगा, तब जाकर के वो क्या जिंदा रह पाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग कि एक के कारण तुम्हारा डिजास्टर हुआ, ये कोई डिजास्टर नहीं है बड़ा, ये हम लोग कुचल दिए हैं, ठीक है, जिसके कारण उसको स्पीसी चेंज करना पड़ा, जैसे चिट्टी वगैरह का। अगला देखो, देखो फाउंडर इफेक्ट, फाउंडर इफेक्ट समझो, यहां रेड था और येलो कीड़ा दिख रहा है तुम लोग को, दिख रहा है सबको, इसमें क्या हुआ, एक रेड कीड़ा को मन किया कि नहीं हम जाएंगे बाहर, एक बहुत बड़ा आइसलैंड है ना, टापू है, वहां हम अपना लाइफ बिताएंगे, अपना जिंदगी बिताएंगे, तो एक कीड़ा निकल करके कहाँ चला गया, इस आइलैंड में चला गया। अब ये आइलैंड में जा करके क्या करेगा, अपना पूरा देखो एक पॉपुलेशन बना लिया ना,
एक अलग पॉपुलेशन बन गया, इससे अलग पॉपुलेशन बन जाएगा जाकर के, इसको बोलते हैं हम लोग फॉन्डर इफेक्ट। म्यूटेशन पता है, ये तो म्यूटेशन पता है कि किसी में भी म्यूटेशन होगा तो नया स्पीसीज बन जाता है, ठीक है, किसी भी तरह से। अब देखो ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जो बता रहे थे हम, क्या बता रहे थे, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। देखो क्रोमोसोम क्रॉस ओवर करता है, ये दोनों बदल गया, बदल गया, इसी को तो क्या बोलते हैं हम लोग, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, है ना, इसी चीज को बोल रहे थे हम, जो कि हमारा अब ये हम लोग को पढ़ना है, है ना। चलो आते हैं हम लोग, अब हम लोग कुछ फ्रीक्वेंसी देखते हैं। जैसे कि हम लोग फॉर्मूला ड्राइव करने का कोशिश करते हैं जो भूले नहीं कभी, अगर हम फॉर्मूला डायरेक्ट लिखा दे तुम लोग को तो वो भूल जाओगे, लेकिन हम बाय कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, ठीक है, ताकि फॉर्मूला हमेशा याद रहे। और फॉर्मूला से न्यूमरिकल्स आता है, अगर तुम लोग को नीट देना है तो इससे हमेशा न्यूमरिकल्स आता है, जब भी हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन आया है तो इससे केवल न्यूमरिकल्स आया है, नॉर्मल क्वेश्चन नहीं आया है, ठीक है। एक क्वेश्चन और आता है कि वो पांचों फैक्टर दे देता है, उसमें एक लिख देता है कि हाँ म्यूटेशन हो रहा है, तो लिखता है कि हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम नॉट एप्लीकेबल ऑफ, तो पांच में नॉन नो लिखा रहेगा, चार में जो चारों लिखवाए थे ना जेनेटिक ड्रिप म्यूटेशन, ये चार में तुम्हारा नो लिखा रहेगा और एक में लिखेगा कि तुम्हारा म्यूटेशन अकर, तो ऑप्शन कौन जाएगा, नॉट एप्लीकेबल पूछा है ना, तो ऑप्शन जाएगा म्यूटेशन अकर्स, ये ऑप्शन नहीं जाएगा, इसमें तो होता ही है इंटरहार्मोनिक इक्विलिब्रियम, ऐसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसे फ्रेम कर सकता है नीट तुम्हारा, और एक क्वेश्चन जो अभी फ्रेम करेगा जो हम अभी बता रहे हैं हार्डी वीनबर्ग का। चलो देखो, मान लिया जाए कि फाइव इंडिविजुअल्स है तुम्हारे पास, कोई पॉपुलेशन है फाइव इंडिविजुअल्स का, पांच लोग है, कैपिटल टी स्मॉल टी, एक स्मॉल टी हो सकता है, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, मान लो 1 2 3 4 5 हो गया, हाँ कोई बात नहीं, पॉपुलेशन तो कैसा भी हो सकता है ना, कोई जरूरी है कि सब अलग अलग पॉपुलेशन में होगा, सब कोई छोटा बड़ा ऐसे होता है क्या, कोई सेम हाइट का नहीं होता है क्या, होता है ना, कोई छोटा होता है तो छोटा हाइट का सब बहुत लोग होता है, तो एक मान लिया जो ये है एक पूरा बड़ा है, डोमिनेंट एलील होगा जिसमें, ये सब तो बड़ा ही है, ये भी बड़ा हो जाएगा, ये भी बड़ा हो जाएगा, ये भी बड़ा और ये भी बड़ा, छोटा कितना होगा, एक ही होगा, ठीक है। देखो अब क्या हुआ कि इसका हम लोग जीन पूल बनाएंगे, जो आज तक जो जीन पूल समझ रहे थे, अब क्या होगा कि जीन पूल किसको बोलते हैं, सम टोटल एलील ऑफ ए पॉपुलेशन, ठीक है, आर टुगेदर, उसको बोलते हैं हम लोग जीन पूल, ये तुम्हारा जीन पूल है। इसका डिफिनेशन लिखना है तो यहीं पे लिख लो, सम टोटल एलील ऑफ ए पॉपुलेशन टुगेदर, ठीक है। चलो अगर हम इसको क्या बोल रहे हैं कि सम टोटल एलील ऑफ ए पॉपुलेशन, मतलब कि जितने भी पांच है ना इसका एलील एक साथ आ जाए सबका, तो एलील किसको बोलते हैं, ये पूरे को या एक को, एलील किसको बोलते हैं, एक को ना, ये दोनों क्या एक एलील है, ये भी एलील है, ये भी एलील है, लेकिन पूरे को मिला देंगे तो क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं ना उसको हम लोग, ये तो पता है ना। चलो एलील को हम लोग, इसका वाला एलील ये होगा, चलो ये वाला एलील देखते हैं, कैपिटल टी इसका एलील, स्मॉल टी फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक, सारा एलील एक साथ आ गया इसका, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, अब सबसे पहले नॉमिनक्लेचर हम लोग करते हैं कि क्या होता है, तो बोलते हैं कि डोमिनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील, डोमिनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगा, कैपिटल टी या स्मॉल टी, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कैपिटल टी यानी कि डोमिनेंट का तुम्हारा क्या है, तुम्हारा कैपिटल फ्रीक्वेंसी ना, तुम्हारे टी फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं ऐसे हम लोग, ऐसे
इसको हम लोग लिखते हैं, जो हार्डी इनवर्ट था इसको तुम्हारा कैपिटल पी से डिनोट किया, किससे? कैपिटल पी से, ठीक है। दूसरा रेसेसिव फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील, ठीक है, इसको हम लोग स्मॉल टी आर एफ लिख सकते हैं, इसको दे दिया हमारा क्यू से, किससे? क्यू से। ये बताओ, जैसे कि कैपिटल पी जो तुम्हारा है वो केवल टी यानी डोमिनेंट केवल टी को बोलते हैं और स्मॉल टी को क्या बोलते हैं? रेसेसिव, तो उसको हम लोग क्यू से पी से हम लोग डिनोट, देख लेना। अब मान लीजिए हम बोले तुमको कि होमोजाइगस, होमोजाइगस डोमिनेंट एलील, तो होमोजाइगस डोमिनेंट किसको बोलते हैं? अरे याद करो कि हमारे यहां ये होता था ना, कैपिटल टी है और मान लीजिए कि ये कैपिटल टी है स्मॉल टी, ठीक है, स्मॉल टी, ये क्या बनता था? टी। चेकर बोर्ड पता है सबको, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, इधर कैपिटल टी, यही ना था, ये कैपिटल टी कैपिटल टी, ये क्या हो जाएगा? कैपिटल टी स्मॉल टी, ये और ये, यही ना बनता था। चलो देखते हैं, इसको बोलते थे हम लोग होमोजाइगस डोमिनेंट, बोलेंगे इसको बोलेंगे होमोजाइगस रेसेसिव, और ये क्या जाता था? हेट्रोजाइगस ना, ठीक है, और ये भी क्या था तुम्हारा? हेट्रोजाइगस। समझ में आया? तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं होमोजाइगस डोमिनेंट एलील का ना, तो होमोजाइगस को कैपिटल टी बोल सकते हैं, और कैपिटल टी टी स्क्वायर हो सकता है, दो टी हो सकता है ना, और एक टी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? तो यहां पी स्क्वायर नहीं हो जाएगा। तो अगर आज से तुम लोग को बोले कि होमोजाइगस डोमिनेंट का फॉर्मूला बताओ तो क्या होगा? समझ में आया? हम लोग एक टी को मान रहे हैं पी, है ना, तो होमोजाइगस में कितना टी आता है? दो, तो टी इंटू टी टी स्क्वायर, और टी के जगह पे पुट कर दो किसको? पी को, तो क्या बन जाएगा? पी स्क्वायर। अब हम लोग आते हैं होमोजाइगस रिसेसिव, अब तुम लोग खुद बता दोगे, वेरी गुड, रिसेसिव एलील ना, इसका क्या हो जाएगा बाबू? यानी कि तुम्हारा स्मॉल टी यानी कि स्मॉल टी का स्क्वायर यानी कि क्यू हो जाएगा। चलो इसको लिखो फट से, उसके बाद इसका जो हम ये बनाए हैं इसका इंपॉर्टेंस बता रहे तुम लोग को, क्यों बनाए हम ये जीन पूल, ये अभी नहीं लिखना, पहले वो लिख लो। अच्छा ये भी लिख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, समझने में आसानी होगा, एक यहाँ और कैपिटल डे आसानी होगा तुम लोग को समझने में, एगो को केवल यहाँ टी हटाओ और यहाँ पे कैपिटल टी कर दो। अब ये नहीं भूलोगे ना कि पी क्या है और पी स्क्वायर क्या है, अगर तुमको बोले होमोजाइगस डोमिनेंट तो हमेशा याद रखना कैपिटल टी उसको क्या कर देना है? स्क्वायर कर देना है, तो टी एक टी को बोलते हम लोग पी, तो क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर हो जाएगा, उसी तरह क्यू स्क्वायर हो जाएगा। इसको कॉन्सेप्ट वाइज बताया इसलिए ठीक है, तुम्हारा एक क्लास एक्सटेंड हो गया इसका, नहीं तो वो डायरेक्ट बता के भी निकल सकते थे, डायरेक्ट एक फॉर्मूला रट लेना है पी स्क्वायर प्लस टू पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर बराबर वन, तो वो तुम लोग को याद नहीं रहता किसको क्या बोलते हैं, ठीक है, इससे तुम लोग रिलेट करना तब हमेशा याद रहेगा, ठीक है। अभी वो भी फॉर्मूला कैसे आएगा वो भी बताएंगे हम कि वो फॉर्मूला क्यों बना, ठीक है, पी स्क्वायर प्लस टू पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू वन, वो फॉर्मूला हार्डी इनवर्स का क्यों बनाया और कहां से आया वो प्रूफ करेंगे हम लोग, ठीक है, अभी प्रूफ करेंगे, हो गया। चलो अगर बाबू हम लोग लिखे हैं तुम्हारा हेटेरोजाइगस डोमिनेंट फ्रीक्वेंसी,
हेटरोजाइगस फ्रीक्वेंसी लिखे, तो हेटरोजाइगस कौन था? ये था, यही ना बोलते इसको हेटरोजाइगस। तो कितना होता है तुम्हारा टी इंटू, यही है ना? तो इसको हम लोग लिख सकते हैं पी एंड क्यू, क्योंकि एक पी है, देखो कैपिटल टी है मतलब एक पी है, और एक स्मॉल टी है मतलब है तुम्हारा। और ये कितना है बाबू, देखो तो वहां कितना होता है, दो होता है, तो टू पी क्यू लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? वहां कितना हेटरोजाइगस है, एक दो है, और एक टी को कैपिटल टी को हम लोग क्या बोलते हैं, पी बोलते हैं, और स्मॉल टी को क्यू बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा, टू पी क्यू। ये हेटरोजाइगस का फॉर्मूला हो गया, ठीक है? इसको लिखो, इसके बाद एलील फ्रीक्वेंसी प्रूफ करेंगे, पी स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू बराबर वन। चलो अब हम लोग ना एलील फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। एलील फ्रीक्वेंसी सबसे पहला डोमिनेंट एलील फ्रीक्वेंसी, अगर ये निकालना है बाबू तो इसका फॉर्मूला होता है डोमिनेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल एलील, ठीक है? तो अब बताओ, देखते हैं हम लोग इसमें, देख के बताओ कि डोमिनेंट एलील कितना है, कितना है, एक दो तीन चार पांच और एक हुआ छे, तो डोमिनेंट कितना हुआ छे, और टोटल एलील कितना है, ये पांच है तो ऑब्वियसली काउंट करने का जरूरत ही नहीं है, ये पांच है तो कितना हो जाएगा, दस। काउंट कर रहा था कोई क्या? अब ये कितना निकल जाएगा, जीरो पॉइंट, यानी कि डोमिनेंट फ्रीक्वेंसी इस पॉपुलेशन का कितना होगा, 0.6 होगा, ठीक है? अब इसी तरह से इसको हम लोग डोमिनेंट फ्रीक्वेंसी यानी कि पी बोल सकते हैं, ये पी है, आप निकालते हैं हम लोग रेसेसिव, वेरी गुड, पहले बता दें, अभी देंगे तुम लोग का क्वेश्चन हम, उस समय बताना। इसका क्या हो जाएगा, रेसेसिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल एलील, है ना, यही ना होगा, और रेसेसिव कितना है, फोर, और टोटल कितना है, टेन, कितना हो गया, जीरो पॉइंट, ये क्यों नहीं हो जाएगा, हो जाएगा क्यों, चलो लिखो उसको, टेस्ट हुआ था तुम लोग का, 10 क्वेश्चन था ना, 10 में 10 आ जाएगा ना, काहे हार्ड दे दिए थे क्या, तो सब तो इजी था, हाँ, अब भी सब प्रीवियस ईयर था गधा लोग, अब प्रीवियस ईयर भी सही नहीं होगा तो क्या सही होगा तुम लोग का, एटलीस्ट प्रीवियस ईयर तो पहले से पढ़ के रखना चाहिए आदमी को, हाँ, ऑब्वियसली अभी बोर्ड पे ही चलेंगे हम लोग शुरू में, पहले बोर्ड क्लियर करेंगे उसके बाद ही तो नीट, बोर्ड में क्लियर नहीं हुआ पता चला नीट देने चले गए, 600 नंबर ले आए फिर भी एडमिशन नहीं हुआ, काहे तो बोर्ड में फेल हो गए सर, इससे बुरा सिचुएशन और क्या होगा। जब तुम लोग नीट का क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब तुम लोग को समझ में आएगा कि हम ईच एंड एवरी नीट के क्वेश्चन को कवर करने का कोशिश करते हैं क्लास में, पूरे चैप्टर में, ठीक है? तुम उसको सॉल्व करोगे तो तुमको लगेगा कि सब बताया हुआ है ए टू जेड, ठीक है? हम कोशिश करते हैं कि वो पूरा कवर हो तुम लोग का, एमटीजी सॉल्व करना, हर क्वेश्चन तुमको पता चल जाएगा तुमको देखने के बाद, तो ये नोट्स तुम्हारा फ्यूचर में भी काम करेगा। मान लिया अभी एक साल नहीं देना है, फिर अगले साल प्रिपरेशन करना है तो उसमें भी नोट्स को तुम आसानी से देख के तुम प्रिपरेशन कर सकते हो खुद से भी, अगर अच्छे से नोट्स बनाते हो तो, गधा जैसा नहीं। हो गया, चलो अब एक ये फॉर्मूला दिया था हार्डी विनवर जो है,
एक फॉर्मूला दिया था, बताया था कि पी प्लस क्यू इक्वल टू वन होता है। देखो तो हम लोग प्रूफ नहीं कर दिए, पी कितना था, पी कितना निकाले और क्यू कितना निकाले, जोड़ो तो आएगा, ये प्रूफ हो गया। ये फॉर्मूला दिया था डायरेक्ट, ये हम लोग इसको प्रूफ किए ना कि पी कितना निकाले हम लोग इससे। कोई भी पॉपुलेशन उठाओ तुम, कोई भी पॉपुलेशन, जरूरी नहीं कि यही, हमें इससे आसान हो तुम लोगों को समझने में, इसलिए उठाएं। तुम यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी, सारा स्मॉल टी स्मॉल टी कर दो, कैपिटल टी कर दो, ठीक है, फिर भी तुम्हारा क्या है कि इक्वल टू वन आएगा, उसमें पी कुछ और आएगा, क्यू कुछ और आएगा, लेकिन दोनों को जोड़ोगे तो वन जरूर आएगा। हम ये नहीं करें कि 0.6 ही आएगा, कुछ भी बदल दो यहाँ, मेरा मतलब वो नहीं है। पी अलग आएगा, क्यू अलग आएगा, लेकिन जब जब भी दोनों को जोड़ोगे तो कितना आना चाहिए, वन आना चाहिए, ये प्रूफ करना हम लोग को, ठीक है। अब देखो इसी तरह से एक फॉर्मूला निकाल के दिया ही कि पी स्क्वायर प्लस टू पी क्यू एक प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू वन, इसको भी तुम लोग ऐड करके जोड़ लो, ये भी तुम्हारा वन आएगा। जितना हम लोग फ्रीक्वेंसी निकाले ना, तुम इसको भी ऐड कर लो, उससे निकाल करके वन आएगा तुम्हारा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करना 0.6 इंटू 0.4 इंटू टू, क्यू स्क्वायर करना 0.4 का स्क्वायर करो, ये 0.36 का स्क्वायर करो, ठीक है, आ जाएगा तुम्हारा। चलो तो ये फॉर्मूला लिखो, ये फॉर्मूला में क्या बोलेंगे, ये तुम्हारा क्या है, पी क्या था उसको, पी स्क्वायर, पी स्क्वायर को क्या बोलेंगे, होमोजाइगस डोमिनेंट, केवल डोमिनेंट बोलोगे तो क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। सीखो केवल पी नहीं बोलना है, मतलब केवल डोमिनेंट नहीं बोलना है, अगर केवल डोमिनेंट तुमको निकालने बोल रहा है अगर क्वेश्चन में, तो क्या हो जाएगा, केवल पी निकालने बोल रहा है, और अगर केवल बोल रहा है कि रिसेसिव निकालो तो क्या हो जाएगा, क्यू, वो स्टेटमेंट देगा होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रिसेसिव, ठीक है, या तो फिर हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, ये बोलेगा, ठीक है तुम्हारा। इसको हम लोग बोलते हैं ना पी स्क्वायर को होमोजाइगस डोमिनेंट बोल रहे थे ना, लिखवाए नहीं अभी। होमोजाइगस का मतलब क्या हुआ, दोनों सेम है, टी टी कैपिटल टी, होमोजाइगस का ही मतलब होता है कि दोनों सेम है, कैपिटल टी कैपिटल टी, ये तुम्हारा डोमिनेंट का बात कर रहा है, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर। यहीं पे तुम्हारा क्या करिए, होमोजाइगस रिसेसिव, मतलब कि दोनों लोगस पे क्या है, सेम है ना, तो स्मॉल टी और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्यू स्क्वायर, ठीक है। चलो उसको लिखो, उसके बाद हम लोग उसको बोलते हैं हार्डी बिनबर इक्विलिब्रियम इक्वेशन, लिख लेना, यानी कि इससे क्या बताना चाह कि तुम्हारा डोमिनेंट कितना भी हो, रेसेसिव कितना भी हो, सब मिलाते हैं तो क्या होता है, कांस्टेंट आना चाहिए, यानी कांस्टेंट है तुम्हारा वन, है ना, यानी कि क्या है, अभी इवोल्यूशन नहीं हो रहा है, चाहे कितना भी जोड़ लो, पी स्क्वायर होमोजाइगस को जोड़ लो, हेट्रोजाइगस को जोड़ लो, तुम्हारा रेसेसिव को जोड़ लो, सबको मिला के कितना आना चाहिए, वन, यानी कि कांस्टेंट, यानी कि इवोल्यूशन नहीं हो रहा है, ठीक है। आप क्वेश्चन देंगे हम, उसको सॉल्व करना, देखो क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो सब कोई, ऐसे लिख लोगे तुम लोग, बोले लिखो, इन अ पॉपुलेशन टोटल नंबर ऑफ एलील्स इज 100, देन कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ होमोजाइगस रेसेसिव फ्रीक्वेंसी, एंड पहला, ये पहला क्वेश्चन था, टोटल नंबर ऑफ रेसेसिव फ्रीक्वेंसी, उसको नंबर वन डालो, दूसरा टोटल नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस फ्रीक्वेंसी, चौथा टोटल नंबर ऑफ डोमिनेंट फ्रीक्वेंसी, अगला टोटल नंबर ऑफ रेसेसिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है,
अब नीचे लिखो, इफ नीचे लिखो, नंबर नहीं देना उसमें, इफ डोमिनेंट एलील इज 60 इन अ पॉपुलेशन, 60 एंड रिसेसिव इज 40। चलो जल्दी बताओ, बन रहा है तुम लोग से? आगे पीछे कुछ समझ आ रहा नहीं तुम लोगों? टोटल नंबर ऑफ डोमिनेंट होमोजाइगस डोमिनेंट फ्रीक्वेंसी हम नहीं पूछे हैं, हेट्रोजाइगस पूछे हैं और रिसेसिव फ्रीक्वेंसी पूछे हैं। होमोजाइगस रिसेसिव और होमोजाइगस डोमिनेंट नहीं पूछे हैं। इजी तो है, कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा, मतलब ये मत सोचो कि बहुत भयानक क्वेश्चन मिला हमको, ठीक है? तो सोचो एकदम बहुत ईजी क्वेश्चन है, सबसे ईजीएस्ट क्वेश्चन दिए हैं हम, ठीक है? बस थोड़ा सा दिमाग लगाओ, तुरंत बन जाएगा क्वेश्चन, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ठीक है? चलो देखो, गधा लोग, कुछ लोग सही किया है, बाकी कुछ लोग तो क्वेश्चन ही नहीं समझ आ रहा है कि क्या बनाए हैं। चलो सबसे क्वेश्चन क्या था कि इन अ पॉपुलेशन टोटल नंबर ऑफ ए एलील कितना था? टोटल नंबर ऑफ एलील हमारे पास जो था बाबू वो कितना था? 100, यही था ना? इसमें तुम्हारा जो डोमिनेंट एलील था वो कितना था? 60, और रेसेसिव कितना था? 40। तो सबसे पहले वो कुछ भी निकालने बोले, अगर हमको वो एलील दे दिया है तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, पहला काम। वो क्वेश्चन कुछ भी पूछे हमको मतलब नहीं है, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। अगर हम लोग डोमिनेंट फ्रीक्वेंसी निकालते यानी कि पी, तो डोमिनेंट एलील, डोमिनेंट एलील कितना है डिवाइडेड बाय टोटल एलील कितना है, कितना आएगा? पहला। दूसरा, हम लोग सबसे पहले सिंपलेस्ट निकालेंगे ना, यानी पी आर क्यू निकाल लेंगे तो सारा चीज निकल जाएगा, क्योंकि सारा फॉर्मूला किसका है? पी एंड क्यू का है। तो पहले पी एंड क्यू निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है? अब क्यू निकालना है हमको, तो क्यू क्या होता है? रेसेसिव, रेसेसिव होता है ना, तो रेसेसिव कितना है? 40 डिवाइडेड बाय टोटल कितना, कितना आया? 0.। अब हमसे कुछ भी पूछ देना ही निकल जाएगा। सबसे पहला होमोजाइगस रेसेसिव पूछा है, होमोजाइगस रेसेसिव यानी स्मॉल टी यानी कि टी का स्क्वायर यानी कि तुम्हारा किसका, क्यू का स्क्वायर, यही ना पूछा है? क्यू का स्क्वायर मतलब 0.4 × 0.4 कितना हुआ? 0.। पहला आंसर। दूसरा क्या पूछा है? हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, नहीं तो 2PQ इसका आंसर होता है ना, यही ना होता है जी? तो 2PQ कितना? 2 × 0.6 निकाले हम लोग पी, और 0.4 निकाले क्यू, कितना हो जाएगा? 0.48 नहीं होगा, नहीं होगा गधा लोग। तो 2 × 0.6 × 0.4 0.48 नहीं होगा। अगला क्या पूछा था? रेसेसिव, तो वो तो निकाल दिए थे हम लोग 0.4। डोमिनेंट पूछा था 0.6, यही ना आंसर होगा? कोई बड़ा क्वेश्चन था? इतना इजी क्वेश्चन तो था। आप सबको आंसर मिला लो अपना, समझ आया? चलो अब दूसरा क्वेश्चन देते हैं, अबर गलत नहीं होना चाहिए ना, उठा उठा पटकेंगे हम इस बार। इन अ पॉपुलेशन डोमिनेंट फ्रीक्वेंसी इज 0.3, देन कैलकुलेट पहला हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, सब अपना अपना बनाएगा, दूसरा होमोजाइगस रेसेसिव डोमिनेंट, तीसरा रेसेसिव। चलो इतना ही निकाल के दिखाओ तुम लोग, सब अपना अपना बनाएगा। देखो इसका आंसर, हम तुम लोग को एक फॉर्मूला बताए थे, पी प्लस क्यू इक्वल टू 1। आप फ्रीक्वेंसी किसका दे रखे हैं? डोमिनेंट का ना, तो ये कितना हो गया? 0.3।
प्लस हमको क्यू क्या करना है, निकालना है ये वन क्यू बराबर वन माइनस जीरो पॉइंट थ्री कितना हो गया जीरो पॉइंट। अब क्या पूछा है पहला मेरा क्वेश्चन, हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस टू पी क्यू टू इंटू जीरो पॉइंट थ्री इंटू जीरो पॉइंट सेवन जीरो पॉइंट फोर नहीं आ जाएगा। अब अगला क्या पूछा क्वेश्चन तुम्हारा, होमोजाइगस डोमिनेंट यानी 0.3 का स्क्वायर 0.09। अगला क्या क्वेश्चन पूछा है, ये हो जाएगा तुम्हारा 0.42 यानी कि ये 2PQ का आंसर है, इसमें हो जाएगा P स्क्वायर यानी कि 0.3 का स्क्वायर यानी कि 0.09। ये कितना हो जाएगा रिसेसिव फ्रीक्वेंसी, हम लोग निकाल चुके हैं 0. यही ना क्यों निकाले हम लोग, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन था, केवल दिमाग लगाना था कि क्यों कहां से निकाले हम लोग, बाकी तो सारा तो ऐसे ही बन जाएगा, बस केवल क्यों निकालना था, समझा। कल कोई क्वेश्चन में डाउट हुआ था, ऐसा क्वेश्चन जो लगा हो कि डाउट हो, कोई नहीं ना, कोई है तो पूछो जल्दी। Which one of the following triplet codon is correctly matched with its specificity for an amino acid in a protein synthesis of a start or a stop codon? क्या correctly match with its specificity for an amino acid in a protein synthesis of as a start or a stop codon? A stop codon क्या क्या था तुम्हारा, UAA उल्लू आया आया, उल्लू आया गया, उल्लू गया आया, यू ए जी यू जी ए यू ए ए, उसमें से कोई है नहीं है तो स्टॉप कोडन तो खत्म हो गया। अब आया मिथियोनिन, कौन मारा है इसका आंसर, मिथियोनिन का क्या होता है ए यू जी, यहां यू जी जी लिखा हुआ है, गलत हो गया, सबसे पहला ये गलत हुआ, स्टॉप कोडन गलत हुआ, ठीक है। उसके बाद देखो यू सी जी लिखा हुआ है, यू सी जी हमारा होता क्या है ए यू जी एस होता है ना, ए का क्या हो जाएगा यू, यू का ए, जी का सी, अगर ये भी दिया रहे तो ये क्या है तुम्हारा स्टार्ट कोडोन है यू ए सी ना, ठीक है। तो स्टार्ट वाला पहला भी गलत है, पहला दूसरा तीसरा तो गलत हो गया, तो टायरोसिन का यूएसी होता होगा, देख लो टायरोसिन का यूएसी होगा, निकालो बुक निकालो टायरोसिन देखो उसमें है ना, तो टायरोसिन वाला आंसर जाएगा हाँ है ना आंसर बाबू, ठीक है। 28 का In bacteria, the structural gene can be turned off when the substrate combined with enzyme produce a repressor molecule. तो off करना है ना, तो जो enzyme होगा repressor molecule के साथ bind कर जाएगा। Substrate combined with promoter गलत, the substrate combined with a repressor protein and inactivated. The end product of a reactive combined with repressor गलत बात है, the substrate combined with its enzyme and produce a repressor molecule. D होगा या B होगा, the substrate combined with its enzyme and produce a repressor molecule. नहीं, enzyme से कहां bind करता था, enzyme से कभी bind करता था क्या, नहीं एंजाइम से बाइंड करके क्या इसमें कुछ नहीं, हमको लगता आंसर बी जाएगा, द सबस्ट्रेट कंबाइन विद द रिप्रेसर प्रोटीन एंड इनएक्टिवेट इट्स, आंसर बी जाना चाहिए, ठीक है आंसर डी नहीं होगा, कोई एंजाइम उंजाइम नहीं आता था उसके बीच में। चलो थैंक यू।